झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व पे जो आंदोलन चल रहा है, सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हम लोग पुराना विधानसभा सभागार से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय तक अधिकार यात्रा करेंगे। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज के आईना तमाम मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड राज्य के अंदर वर्तमान सरकार के द्वारा 80 CM उत्कृष्ट विद्यालय चलाया जा रहा है, जिसमें बेहतर शिक्षा, डिजिटली शिक्षा, संपूर्ण सुविधा युक्त शिक्षा का सपना दिखाया गया। लेकिन दुर्भाग्य उस 80 उत्कृष्ट विद्यालय में सफाई कर्मी, सुरक्षा प्रहरी और माली कर्मी सैकड़ों कार्यरत हैं, जो एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी मेसर्स फ्रंटलाइन कंपनी के माध्यम से कार्यरत हैं। और तमाम सैकड़ों सफाई कर्मी, सुरक्षा प्रहरी और माली कर्मियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अन्याय इस प्रकार किया जा रहा है कि अचानक से लेटर जारी करके उन लोग का सेवा समाप्त करने की घोषणा किया जा रहा है। साथ ही साथ पिछले जो अपना खून पसीना बहा करके जो ड्यूटी किए हैं, जो काम किए हैं, उसका वेतन भुगतान भी नहीं किया गया है 3 महीनों का, और उसका PF भी कटौती किया जा रहा है, और जो वेतन सुनिश्चित किया गया है उसमें भी कटौती किया जा रहा है। तो हम लोग जो झारखंड राज्य के अंदर अभी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व पे जो आंदोलन चल रहा है, तो आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग कल यानी दिनांक 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हम लोग पुराना विधानसभा सभागार से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय तक अधिकार यात्रा करेंगे। और 80 उत्कृष्ट विद्यालय में जो सैकड़ों जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कार्यरत कर्मी है उसके हक अधिकार का लड़ाई लड़ेंगे। और कल सुबह 11 बजे पुराना विधानसभा सभागार रांची के समक्ष समस्त झारखंड से आंदोलनकारी साथी एकजुट होंगे, और वहां से हम लोग अधिकार यात्रा करते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय तक जाएंगे और निदेशक किरण पोसी मैडम जी से वार्ता करेंगे, और जो कंपनी टेंडर लिया है आउटसोर्सिंग कंपनी उससे वार्ता करेंगे, और तमाम जो कार्यरत कर्मी है उसको अस्थायी रूप से सेवा का मांग या संपूर्ण वेतन समय पर भुगतान की जो मांग है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को आगे और निरंतर जारी रखेंगे। लेकिन कल वार्ता करेंगे अधिकार यात्रा करते हुए, और अगर निदेशक महोदया हमारी वार्ता नहीं मानेगी तो हम लोग वहीं डेरा भी डाल सकते हैं और अनिश्चितकालीन के लिए लड़ सकते हैं। चूँकि हम लोग जो अभी 60-40 नए चलते हुए आंदोलन किए, उसके बाद राज्य के तमाम चाहे छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, हर तरह के लोगों के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, खतियान के लिए लड़ रहे हैं, अपना पहचान के लिए लड़ रहे हैं, नियोजन के लिए लड़ रहे हैं, तो उसी का एक हिस्सा हमारा जो झारखंडी जो खतियानधारी आदिवासी मूलवासी जो कार्यरत हैं, और वर्तमान सरकार खुद को कहती है आंदोलनकारी की सरकार, आदिवासी मूलवासियों की सरकार, और आदिवासी मूलवासी जो अपना खून पसीना बहा करके जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको उसका वेतन भी नहीं मिल रहा है, यह बहुत दुर्भाग्य है। ऐसा दुर्भाग्य पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। इसीलिए मैं मीडिया चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम हमारे जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं सभी से हम अपील करना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे, आमंत्रण करना चाहेंगे कि सुबह 11 बजे सभी कोई पुराना विधानसभा सभागार पहुँचे और वहाँ से हम लोग अधिकार यात्रा करते हुए जाएंगे, और हम आगे का रणनीति कल हम बताने का काम करेंगे। जिनको हटाया गया उनका कुछ आपके पास डाटा या आंकड़ा है? जी आंकड़ा है, लगभग 80 विद्यालय है, प्रत्येक विद्यालय में 3 सुरक्षा प्रहरी, 2 आपका सफाई कर्मी और 1 माली कर्मी, 1 विद्यालय पर 6 हमारे आदिवासी मूलवासी कर्मी कार्यरत हैं। इस तरह से 80 विद्यालय की हम बात करें तो 80 विद्यालय में
680 कर्मी और यानी 680 परिवार को सीधे सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं झारखंड के। इसीलिए 680 परिवार के साथ हम लोग खड़ा है और 680 परिवार के साथ हम लोग अन्याय होने नहीं देंगे। और यह मामला महज 680 परिवार का बात नहीं है, यह मामला अन्याय का बात है, यह मामला हक अधिकार का हनन का बात है, यह मामला जिस उद्देश्य से यहाँ की सरकार बड़े बड़े सपना दिखा करके कहता था कि हम कॉन्ट्रैक्ट का नामो निशान मिटा देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जितना अवधि का जितना समय अवधि का उसके आधे अवधि पर जो है निकालने का लेटर जारी किया जा रहा है। 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था और 1.5 साल में उन लोग को निकाला जा रहा है। अब कहाँ भटकेंगे वैसे वैसे गरीब घर के आदमी लोग, 480 परिवार के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग जो कोई स्कूल में पढ़ते हैं, जिसके बूढ़े माँ बाप, जिसका तबीयत खराब है, उनका दवा चाहिए। अब वैसे 480 परिवार पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा सचिव और झारखंड शिक्षा परिषद परियोजना निदेशक किरण पोसी मैडम जी से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये तमाम 480 परिवार को तहस नहस होने से बचाने का काम करें और इन लोग का सेवा अस्थाई रूप से प्रावधान किया जाए। कल ये लोग शामिल होंगे क्या? कल पूरे झारखंड के 2400 जिलों के तमाम विद्यालय सभी को शामिल होंगे, वही लोग के सहयोग से ही हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे। चूँकि हम लोग एक आंदोलनकारी हैं, हम लोग कोई राजनीतिक संगठन और कोई पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं हैं। हम लोग हमेशा जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिसका हक अधिकार का हनन होता है, उसका लड़ाई हम लोग उसी के सहयोग से लड़ते हैं जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिसका हक अधिकार का हनन होता है। तो कल 480 जो प्रभावित कर्मी है वो सभी 480 के 480 आएंगे, साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य आएंगे, उनके शुभचिंतक झारखंड के सभी क्रांतिकारी साथी आएंगे और कल हजारों की संख्या में हम लोग का भीड़ होगा और कल का आंदोलन जो है कि बहुत ही बृहद होगा। और कल का आंदोलन का जो आगाज होगा, अगर कल हमारी वार्ता सफल नहीं होगी तो वह एक उलगुलान और क्रांतिकारी का आगाज हम लोग फिर करेंगे आगे।